देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्जियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको समझा था, और आज हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये है एक बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, मतलब इस एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और ये एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। फिर इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में क्या होंगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए ये फॉर्मूला। तो आज के लेक्चर में इसी को हम लोग डिराइव करेंगे, बेसिकली इस फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर दिस इज नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो दिस इज द सेपरेशन डिस्टेंस आर। तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेंगे, तो बेसिकली फोर्स लगेंगे, और उस फोर्स को निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम, और यहाँ पे क्यू एम टू लिख देते हैं, दिस इज 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू एम क्या है? इसका पोल स्ट्रेंथ। ओके, क्यू एम 1, और इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है? क्यू एम 2। ओके, ये है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो इस डायग्राम को यहाँ पे हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए बार मैग्नेट। ओके, एंड दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज द सेंटर, फाइन। तो यहाँ पे दिस इज द इक्वेटोरियल लेंथ, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल आया कहाँ से? मतलब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के लिए कंसिडर करेंगे एक नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये जो नॉर्थ पोल है इसका मैग्नीट्यूड कितना होंगे? 1 होंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो साउथ पोल है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे कौन सी डायरेक्शन में? अब ऐसे समझो, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस फोर्स का नाम दिया एफ एस। ठीक है, और ये जो नॉर्थ पोल है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये भी नॉर्थ पोल है ना, तो रिपेल करेंगे, तो बेसिकली इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और इस फोर्स का नाम दे दिया एफ एन। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन मैंने लिख के रखा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, तो ये जो यूनिट नॉर्थ पोल है इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? दिस प्लस दिस। ठीक है, और ये जो टोटल फोर्स है अगर वो निकल पाए हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल मिल जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले एफ एस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एफ एस इज नथिंग बट द फोर्स। ओके, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे लिखना आप लोग। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। ओके, बाय बाय व्हाट? बाय साउथ पोल। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखना अच्छे से। ठीक है, तो ये जो एफ एस है इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे? दिस इज के क्यू एम। ओके, तो ये जो पोल है इसका स्ट्रेंथ कितना है? क्यू एम, और इसका भी स्ट्रेंथ कितना होंगे? क्यू एम होंगे, तो बेसिकली दोनों का स्ट्रेंथ सेम होंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ क्यू एम है, जस्ट लाइक चार्ज की स्ट्रेंथ हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो मैग्नेट है बिकॉज ऑफ दैट क्यू एम लिखा, इनटू, तो दोनों के बीच में फोर्स है कि नहीं, और ये फोर्स अट्रैक्टिव है बिकॉज ऑफ दैट इस डायरेक्शन में है एफ एस। ठीक है, तो दोनों के बीच में फोर्स बिकॉज ऑफ दैट दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है, इसका पोल स्ट्रेंथ क्यू एम और इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है? 1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है? लेट्स कंसिडर आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको आर कह दिया तो इसको हम लोग एक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर हम लोग एफ एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ एन आप लोग लिखना अच्छे से, एफ एन इज नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल बाई नॉर्थ पोल लिख देना। ठीक है, आप लोग ये लिखना अच्छे से। फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है दैट इज क्यू एम इंटू 1, इसका पोल स्ट्रेंथ 1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? दिस डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट एक्स, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों के कॉम्पोनेंट्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को डायरेक्टली हम लोग प्लस नहीं कर सकते, दोनों फैक्टर्स है ना, तो फैक्टर्स के लिए हम लोग कॉम्पोनेंट्स को प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये जो एफ एस है, इस एफ एस के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये थीटा हुआ, उस केस में ये भी थीटा होंगे, है ना, तो इस कॉम्पोनेंट को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। और एक चीज देखो, ये जो एफ एस है और एफ एन है दोनों सेम है कि नहीं? यस, दोनों सेम है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एस इज इक्वल टू एफ एन। ठीक है, इसको हमने एफ कह दिया सपोज। ठीक है, तो एफ एस को हम लोग एफ कह सकते हैं, एफ एन को भी एफ कह सकते हैं। ओके, तो ये जो थीटा है, बिकॉज ऑफ दैट ये कॉम्पोनेंट कौन सी होंगे? एफ कॉस थीटा। ठीक है, और इस कॉम्पोनेंट को हम बोल सकते हैं एफ साइन थीटा।
फाइन। सिमिलरली ये जो एफ है इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इस कंपोनेंट को हम कह सकते हैं एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये भी थीटा होंगे, है कि नहीं। फिर यहाँ पे इसको हम कहेंगे एफ साइन थीटा, क्लियर है कि नहीं, देखो। यस, तो अभी दोनों ऑपोजिट है और दोनों इक्वल भी है, तो बिकॉज ऑफ द दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो टोटल फोर्स इस पॉइंट पे कितना होंगे, डिस प्लस डिस, ठीक है, टू इंटू एफ कॉस थीटा आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, है ना। तो हमें अभी क्या चाहिए, नेट फोर्स, ओके। तो नेट फोर्स कहाँ पे, नेट फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है, ये हमें चाहिए। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, एफ नेट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो बेसिकली डायरेक्टली लिख सकते हो टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टू इंटू ये जो एफ है, एफ की वैल्यू कितना है, एफ मतलब एफ एन, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के क्यू एम बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, के क्यू एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर ये थीटा हुआ, दिस इज बेस, ओके, और इसको हमने एल कहा, एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस मच, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई एक्स। तो बेसिकली वी कैन राइट इट एज टू के क्यू एम, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर एल होंगे, फिर नीचे एक्स क्यूब होंगे, ठीक है, टू के क्यू एम एल डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ओके। तो अभी ध्यान से देखो एक चीज, क्वेश्चन में आपको इस एक्स की वैल्यू नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है, दिस इज सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द डायपोल, मतलब डायपोल की जो सेंटर है उससे कुछ डिस्टेंस दूरी पे ये पॉइंट है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस आपको देंगे, ठीक है। तो उस केस में एक्स अगर नहीं देंगे फॉर्मूला में, लेकिन एक्स है, तो ये तो दिक्कतें हो जाएंगे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स को कन्वर्ट करेंगे कहाँ पे, आर पे, और एल की भी वैल्यू देंगे आपको, है ना। तो एल एंड आर पे हम लोग इस एक्स को कन्वर्ट करेंगे, कैसे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जानते हो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर एक्स क्यूब कैन बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके, यहाँ पे हाफ लिख दो, ओके। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वन है, तो अभी देखो दोनों सेम सेम है, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो एल स्क्वायर वन प्लस हाफ, है ना। तो वन प्लस हाफ लिख सकते हो, एंड दिस इज नथिंग बट थ्री बाई टू, ठीक है। तो बेसिकली एक्स क्यूब कैन बी रिटन एस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थ्री बाई टू, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं ना, नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू नेट फोर्स, ओके, नेट फोर्स कहाँ पे, इस नॉर्थ पोल पे, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस मच, दिस इज इक्वल टू तो वाइस के क्यू एम एल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर यहाँ पे थ्री बाई टू लिख देंगे, ठीक है। आ रहे समझ में, यस, इजी है। अभी ध्यान से देखो, ये जो डायपोल है, मतलब बार मैग्नेट इज डायपोल, है ना। तो इस डायपोल के एक डायपोल मोमेंट होंगे, है ना। तो उस मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला है, उसको हम लोग एम से लिखते हैं ना, एम इज इक्वल टू क्यू एम, दोनों में से एक पुल की स्ट्रेंथ ले लो, स्ट्रेंथ कितना है, क्यू एम है, ठीक है, इंटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो दोनों की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक एल, और यहाँ से यहाँ तक एल, तो आप लोग ट्वाइस एल लिख सकते हो, ठीक है। तो एम क्या है, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है, ओके। ये सब चीज़ें हमने एकदम अच्छे से बेसिक से पढ़ा था, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग सीरियली चेक कर लेना वहाँ पे, ठीक है। तो क्यू एम इंटू ट्वाइस एल ये है टू, और यहाँ पे क्यू एम एल, है ना। तो इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, के फिर एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, फिर थ्री बाई टू, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यस, क्यू एम इंटू ट्वाइस एल इज एम, ओके। तो अभी देखो, अगर हम लोग इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गए, तो उस केस में ये जो आर है, आर विल बी वेरी वेरी बिगर देन एल होंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर आर इज वेरी वेरी बिगर देन एल हुआ, ये कब होंगे, जब पॉइंट को बहुत दूर लेके जाएंगे। तो उस केस में हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस एल को, मतलब इस एल की जगह पे जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं b is equal to क्या लिख सकते हैं, के एम डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे 3/2, ओके, तो एल तो जीरो हो गया है ना, तो दिस टू विल गेट कैंसिल विद दिस टू, तो हम लोग लिख सकते हैं के एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ओके, तो यहाँ पे के क्या है, के इज नथिंग बट म्यू नॉट बाय 4 पाई, ओके, फिर यहाँ पे एम डिवाइड बाय आर क्यूब, ओके, तो एक चीज और देखो साथ में, मतलब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, JEE नेट लेवल के एग्जाम्स, तो उसमें आपको एक कुछ इस तरह से क्वेश्चन देंगे, मतलब घुमा फिरा के डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बी है, बी इज इक्वल टू दिस मच होगी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बी इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर यहाँ पे एम डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है, तो ये जो बी के फॉर्मूला है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर हम लोग इसका फैक्टर फॉर्म लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं इन फैक्टर फॉर्म, ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर यहाँ पे एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, तो फैक्टर फॉर्म में यहाँ पे बी के ऊपर फैक्टर लगाएंगे और ये जो एम है एम के ऊपर भी फैक्टर लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली लगाने से गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सेम नहीं है, ठीक है, तो ये जो बी है, बी की डायरेक्शन कौन सी है, हम लोग जानते हैं अगर एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड से निकलेंगे कहाँ तक, साउथ पोल तक, ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है कि नहीं, तो बेसिकली राइट टू लेफ्ट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा है, ठीक है, और जो ये एम है मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो एम है और बी है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे से, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना होगा, ठीक है, तभी ये करेक्ट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड लिखोगे सिर्फ, तो उसमें माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इजी है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जिस टाइप का क्वेश्चन आते हैं ना, JEE नेट लेवल में, उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, थैंक यू।